हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। टुडे वी विल स्टडी कैलकुलेशन ऑफ लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। ठीक है, यहां पे अपन किस टाइप की सीरीज की बात कर रहे हैं ये अपन देखते हैं पहले, है ना। फंक्शन में किस टाइप की सीरीज की अपन बात कर रहे हैं, अपन किसी फंक्शन का एक्सपेंशन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज। ठीक है, वो देखते हैं कि कौन कौन सी सीरीज अपने को याद रखनी है या अपने काम की सीरीज कौन कौन सी है। तो स्टडी करते हैं पहले सीरीज की, है ना। कैलकुलेशन ऑफ लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ सीरीज, ये टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल ब्ला 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 टिल इंफिनिटी। ऐसे ही e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन होता है बच्चों 1, x की जगह अब क्या रख देंगे, माइनस x, टिल इंफिनिटी। सिमिलरली a की पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, a की पावर x को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, a की a को स्पेशली a को वी कैन राइट e टू द पावर ln a। बोलो, लिख सकते हैं, ये फिर से a बन जाएगा, बेस में बेस बेस कैंसिल होके a बन जाएगा ये, और इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर x ln a। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर सेइंग दैट इसमें x की जगह अपन क्या रख देते हैं, x ln a। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन अपने को क्या मिल गया बच्चों, 1 प्लस x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, है ना। सिमिलरली ऐसे ही चलता चला जाएगा कहां तक, इंफिनिटी तक। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, a मस्ट बी पॉजिटिव हियर। a टू द पावर x, नेक्स्ट अपने पास जो अपने काम का है साइन x, है ना, साइन x का एक्सपेंशन। साइन x जो फंक्शन है वो अपने पास, अपने को पता है क्या है, ऑड फंक्शन है, राइट, ऑड फंक्शन है। तो इसका जो एक्सपेंशन आता है वो आता है x माइनस, सिर्फ ऑड पावर आती है इसमें, x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी, है ना। अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, और अपन जानते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पे जीरो आना चाहिए। ठीक है, सब जगह क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है बात, है ना, ये ओड फंक्शन है तो सारी ओड पावर्स आएगी इसमें। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आना चाहिए दोनों तरफ, राइट, याद रखने के लिए, है ना, चीजों को रिलेट करके अपन याद रख सकते हैं। कोस एक्स, कोस एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, तो वन इसमें जो एक्सपेंशन आता है इसका, है ना, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे वन मिलता है अपने को, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन, है ना, सारी इवन पावर्स टिल इंफिनिटी। सही बात है ना, इवन पावर्स और अल्टरनेट प्लस माइनस चलना है, और जो ऊपर पावर है उतने का ही क्या नीचे रखना है, फैक्टोरियल, याद करने के लिए। याद हो गया ये साइन एक्स, ये जब अपने को याद होगा तभी अपन आगे प्रॉब्लम्स कर पाएंगे, है ना। साइन एक्स का एक्सपेंशन अपने पास क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ओड पावर्स चल रही है विथ प्लस माइनस अल्टरनेट साइन। कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, इवन पावर्स चल रही है, इवन पावर्स चल रही है विथ प्लस माइनस अल्टरनेट साइन। ठीक बात, बोलो, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, ये थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट याद करना ही पड़ेगा अपने को। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न होता है इसमें। इसमें मान लो इतना जो अपने काम का है ना, मैक्सिमम टाइम सिर्फ इतना ही काम आएगा, है ना, आगे का अपने को यूज नहीं आएगा। मैक्सिमम टाइम एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एट मैक्स इतना ही काम आता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपन इतना याद रख लेंगे, तीन टर्म यदि याद रखेंगे तो इनफ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात।
नेक्स्ट अपने पास आता है ln ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन आता है बच्चों x इज इक्वल टू जीरो रखने पे क्या आना चाहिए, देखो x इक्वल टू जीरो रखने पे दोनों तरफ जीरो होना चाहिए, x इक्वल टू जीरो रखने पे दोनों तरफ वन आएगा, x इक्वल टू जीरो रखने पे दोनों तरफ जीरो आएगा। यहां पे x इक्वल टू जीरो रखने पे दोनों तरफ क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो शुरुआत किस से करना है, वन से करना है या x से करना है, वो यहां से अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक बात, बोलो, जस्ट टू रिमेंबर, ln ऑफ 1 प्लस x, x रखने पे 0 आना चाहिए, तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं है बच्चों, यहां पे क्या है 2 है, है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, अल्टरनेट साइन नहीं चल रहा है, लगातार है सब कुछ, है ना, ये यहां पे साइन अल्टरनेट है और कंटिन्यूअस है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5/5 ऐसा कुछ चल के इन्फिनिटी तक, सही बात, बोलो, है ना, x से शुरू हो रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 टिल इन्फिनिटी, सही बात। अब यहीं से अपन क्या बोल सकते हैं, किसका निकाल लेते हैं, ln ऑफ 1 माइनस x का, ln 1 माइनस x का। अब ये बात जो है ना, ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन वैलिड कब है, x ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, सिर्फ इसी के लिए ये बात वैलिड है, एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर ओनली दिस x, करेक्ट। ln 1 माइनस x में हो जाएगा ये माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 टिल इंफिनिटी, एक्सपेंशन इज वैलिड, है ना, x की जगह अपन ने क्या रख दिया माइनस x, तो ये चेंज हो गया इसमें, क्लियर है, ये लिख लो आराम से, थोड़ी देर याद करो। e की पावर x का क्या हो जाएगा, 1 प्लस x ln a अपॉन 1, x ln a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x ln a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, sin x का क्या हो गया, sin x का हो जाएगा x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना, प्लस माइनस अल्टरनेट विथ ऑड पावर्स, क्लियर है पॉइंट। cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा इवन पावर्स विथ अल्टरनेट साइन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। और ये cos x का था, tan x का अपने को याद क्या रखना है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5, इतना ही अपने काम का है, इतना ही यूज आएगा अपने को, ऐसे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इतना ही अपने को यूज आएगा, है ना, एट मैक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 काम आता है, है ना, जनरली। और ln ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, ऐसे ये चलता चला जाएगा, क्लियर है पॉइंट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें याद हो जाएगी अपने को। तो इन पे बेस्ट अपन प्रॉब्लम्स करते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इन क्वेश्चंस, इन एक्सपेंशन सीरीज पे बेस्ट प्रॉब्लम्स। अच्छा, कोई भी जनरल प्रॉब्लम लेते हैं अपन, जैसे जितनी भी अपन ने अभी स्टैंडर्ड जो सीरीज अपन ने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी है, उन सब का प्रूफ यहां से अपन कर सकते हैं, उन सबको यहां से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं काइंड ऑफ। फर्स्ट अपन देखते हैं, मान लो साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये वन आता है अपने को पता है, और अपन बोल सकते हैं ये क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल ब्ला ब्ला टिल इंफिनिटी, ठीक बात,
x का डिवाइड कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है। अब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे जीरो, आंसर विल बी वन। क्लियर है बात? तो अपने को अल्टीमेटली जो एक्सपेंशन करना होता है, बेसिकली जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर तक एक्सपेंशन करना होता है, उसके आगे वाली जो है ना पावर्स वो सब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अपने आप, क्योंकि इसी का तुम डिवाइड करोगे है ना, उसके बराबर पावर से तो अपने को मिल जाएगा क्या, लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी, और उससे जो भी बड़ी पावर होगी है ना, डिनोमिनेटर से जो भी ग्रेटर होगा पावर, वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू जीरो पे। और ये जो लिमिट एक्स यूजिंग एक्सपेंशन करते हैं, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना, जो वेरिएबल है वो टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए इसके लिए, है ना, जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। याद रखो वेरिएबल क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो। जीरो नहीं है तो उसको पहले बना लेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट है ना, इफ वेरिएबल इज नॉट टेंडिंग टू जीरो देन वी विल मेक इट टेंडिंग टू जीरो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो जब x टेंडिंग टू यदि जीरो नहीं हुआ तो ये जो आगे वाला, आगे वाले जो जितने भी टर्म्स है उनको मैं जीरो बोल रहा हूं, ये जीरो नहीं बोल पाऊंगा उस केस में, सही बात है ना, इन सबको अपन जीरो नहीं बोल पाएंगे, है ना। एक्सटेंडिंग टू मान लो ए है तो ये कभी फिर जीरो नहीं होगा, तो अपन बोलते हैं कि जब एक्सपेंशन का यूज करना है तो एच जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, उसी के लिए अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है, उसी के लिए फायदेमंद है ये। नेक्स्ट, तो कोई भी अपन एक्सटेंडिंग टू जीरो, लेट से वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वी विल कैलकुलेट दिस लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है, अपन जानते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, हाफ। अब एक्स स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर मैं बोल रहा हूं कि ऊपर कहां तक जाओ, एक्स स्क्वायर तक जाओ, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है, वन से शुरू होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ठीक है, और भी अपन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, ऐसे ये चलता चला जाएगा, ठीक बात, बोलो, अपॉन एक्स स्क्वायर, इस वन से ये वन कैंसिल हो गया, आया क्या, देखो अपने पास आया एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं उसमें, ये आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर फैक्टोरियल ब्ला 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 टिल इंफिनिटी, ठीक है, व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो दिस ऑल टर्म्स विल बिकम जीरो, आंसर विल बी हाफ। क्लियर है पॉइंट, आंसर विल बी हाफ। तो यहां से अपन ये समझ पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से जो भी ग्रेटर पावर्स है उनका सेंस नहीं बनता लिखने का, है ना, तो अपने को कहां तक जाना है ना, कैसे पता लगेगा कि ए एक्सपेंशन में किस पावर तक लिखूं, ये यहां से डिनोमिनेटर से पता लगेगा, क्योंकि अपना जो डिनोमिनेटर अपने को डिसाइड करता है कि डोमिनेटिंग क्या है यहां पे, जीरो, जीरो कितना छोटा जीरो है ना, जीरो कितना छोटा जीरो है, एक्स स्क्वायर का है कि एक्स क्यूब का है कि एक्स की पावर फोर का है, उस पर एक्स की पावर फोर होता तो अपन एक्स की पावर फोर तक जाते, समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, सही बात। अब यहां पे दो अलग अलग फंक्शन है ना, साइन एक्स और एक्स अलग अलग फंक्शन है, अब इसको लिमिट से ही सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, वही सबसे बेस्ट वे है। ये तो क्या थे, स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व हो रहे थे, इस वाले प्रॉब्लम को यदि अपन सोचें तो ये क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को फिर अब एक्सपेंशन का ही यूज करना पड़ेगा, एक्सपेंशन इज द वे, ठीक है, और एक तरीका है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बींग दिस इज द वे। इसी टाइप के फंक्शन के लिए ही एक्सपेंशन स्पेशली यूज आता है ना, a माइनस बी में दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है ना, a एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है,
तो अपन बोलते हैं कि अच्छा साइन एक्स को अपन क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड। साइन एक्स को कहां तक एक्सपेंड करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब तक, बोलो एक्स क्यूब तक एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स क्यूब तक ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, सही बात। उसके आगे वाले अपन बोलेंगे कि एक्स क्यूब से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करने पे वो जीरो हो जाएंगे, ठीक बात। तो यहां से ये एक्स से एक्स गया, ये क्या जाएगा वन बाई सिक्स, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन बाई सिक्स, है ना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, अगेन दो अलग अलग फंक्शन है, टेन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक फंक्शन। टेन एक्स को अपन यदि देखें, टेन एक्स क्या है, टेन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब तक जाना है अपने को, है ना, यहीं तक जाना है, माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, समझ में आ रही बात। एक्स एक्स गया, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज वन बाई थ्री, क्लियर पॉइंट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, वन बाई थ्री। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक और क्वेश्चन करते हैं, e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्रॉब्लम है। e की पावर x है ना माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अपने को पता है कि e की पावर x अलग अलग फंक्शन है, e की पावर x का क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं, वो होगा। और कहां तक मैं एक्सपेंशन एक्सपेंशन कहां तक लिखूं, एक्स स्क्वायर तक लिखता हूं, है ना, डिनोमिनेटर में पावर क्या है एक्स स्क्वायर, वहां तक लिखने से फायदा होगा, उससे आगे लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दो टर्म्स विल बी जीरो बिकॉज एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे किसको टेंड करेगा, जीरो को, तो उन टर्म्स को लिखने का फायदा नहीं है, ठीक ठीक बात। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, एक्सपेंशन हो गया इसका, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, यहां तक अपन ने एक्सपेंशन लिख दिया, माइनस वन माइनस एक्स, एक्स गया अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर, सो आंसर विल बी व्हाट, वन अपॉन टू फैक्टोरियल, दैट इज वन बाई टू, सही बात। बोलो समझ में आ रही, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो दो बातें हैं यहां पे, एक्सपेंशन कब अपन लगाते हैं, पहला लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टाइप होना चाहिए, है ना, दूसरा दो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, इनको तो ये है ना एक साथ माइनस में, ये एक्स है, ये माइनस साइन एक्स है, ये अल्जेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये अल्जेब्रिक हो गया, तो इस टाइप के फंक्शन में अपने को और कोई तरीका, स्टैंडर्ड लिमिट का तरीका अपने को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये लगाने से अपने को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक बात। तो ये थी अपने पास क्या, और कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं अपन इस पे। ln ऑफ वन प्लस एक्स है ना, लिमिट यहां पे है, लिमिट x tending to 0 ln of 1 plus x minus sin x plus x square upon 2 upon x cube, next है अपने पास limit x tending to 0 टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इनको सोल्व करो, तुम सोल्व करना शुरू करो, ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो,
लिमिट x टेंडिंग टू 1 7 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 3 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। एक्सटेंडिंग टू 2 14 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 4 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ये प्रॉब्लम से बच्चों, ठीक है, शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। ये ट्राई करो, सारी प्रॉब्लम्स आसान है काफी, ठीक है। एक एक्सपेंशन अभी तक अपन ने नहीं बताया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो अपन ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, उसका अभी अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, बात है ना। थ्री टाइप ऑफ फंक्शन यूज हो गए है ना, x टेंडिंग टू 0 है, ln ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन अपन कहां तक करना है, अपने को x क्यूब तक करना है, कर लेते हैं इसको, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये एक्सपेंशन हो गया ln ऑफ 1 प्लस x का, माइनस sin x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, sin x का एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक बात, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन क्या है, अपॉन एक्स क्यूब, सही बात। इस x से ये x गया, बोलो, इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 गया, बचा क्या अपने पास, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 6, दैट इज एक्स क्यूब बाई 2, है ना, 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 दैट इज एक्स क्यूब बाई 2 अपॉन में क्या है, एक्स क्यूब, आंसर इज 1/2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब आंसर इज 1/2। तो सिंपल है, आसान होता है प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, जस्ट अपने को कॉन्सेप्ट क्या पता रखना है कि न्यूमरेटर तक जाओ तो बेनिफिट है, उससे आगे भी लिखोगे तो बस लेंथी दिखेगा एक्सप्रेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा, चीजों को सिंपल तरीके से रखो, आसान लगेगी बिल्कुल, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं अपन, डिनोमिनेटर में क्या है, टेन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, यही एक्स स्क्वायर, ये तो लिमिट फाइनाइट है, और इसको कर देता हूं एक्स की पावर 4, सही बात, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। और इस लिमिट को अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, बोलो, है ना, ये लिमिट तो कैलकुलेट हो जाएगी, 1 है, इस लिमिट को मैं अलग से कैलकुलेट कर लूंगा, और लास्ट में जो है 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड कर देंगे लास्ट में, ठीक बात, बोलो, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, इस लिमिट को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, लिमिट में कौन सी कैलकुलेट कर रहा हूं, टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस एक्स, बोलो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन प्लस एक्स, बोलो, ऐसे भी कर सकता हूं मैं, बोलो, अपॉन एक्स की पावर 4, सही है बात। अब इस टेन एक्स का क्या कर दो, एक्सपेंशन, अपने को पता है ये होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, ये क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, सही है बात। आगे भी अपने को लिखना चाहिए, बट अपने को पता है कि एक्स क्यूब बाई 3 यहां से आ गया और x तो हमेशा रहेगा ही, तो टोटल नेट पावर ऊपर क्या बन गई, x की पावर 4, नीचे क्या है बच्चों, नीचे क्या है, x की पावर 4। अब इसमें आगे लिखने का और इसमें आगे लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, सही बात, क्योंकि जो आगे इसके पावर आएगी दैट विल बी एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 विल बी ग्रेटर देन एक्स की पावर 4 इन एनी केस, ठीक है बात, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, अपने पास एक्स क्यूब बाई 3 इंटू प्लस 2x अपॉन
x की पावर 4, ठीक बात। x की पावर 4 है ना, x क्यूब इसमें डिवाइड कर दो, x इसमें डिवाइड कर दो, है ना। ये x क्यूब है, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, x क्यूब है। तो इसमें x क्यूब का डिवाइड किया अपन ने इनटू, ये ना ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, राइट, 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 में अपन ने किसका डिवाइड कर दिया, x का डिवाइड कर दिया। तो क्या मिल गया अपने पास, ये तो 1 बाई 3 इंटू, ये क्या मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसके आगे वाली सारी पावर्स क्या होगी, 0। तो आंसर विल बी व्हाट, 2/3। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट, दिस इज वन वे, है ना। एक और तरीका है इसका, और क्या कर सकते हैं अपन, ये समझ में आया क्या, यहां पे अपन ने क्या बोला है, a इंटू बी टाइप का है, तो a इंटू बी मिला के x की पावर 4 तक जाना चाहिए, है ना। उससे बड़ी सारी पावर्स क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी x की पावर 4 से डिवाइड करने पे। तो इसका अगला टर्म है x की पावर 5, इसका अगला टर्म है x की पावर 5, तो उसको अपन ने नहीं लिखा, ठीक ठीक बात, सही है, आंसर आ गया अपने पास, है ना। एक और तरीका है, दैट इज 10x का एक्सपेंशन अपन लिख लेते हैं और उस पर बाइनोमियली एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। अभी अपन ने क्या किया है, ना x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का क्या है, होल स्क्वायर, बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, x की पावर 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। a माइनस बी का, x की पावर 5 लिखने का फायदा नहीं है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x की पावर 6/9, कोई यूज नहीं है, x की पावर 6 आ गया, फायदा नहीं, रख लेते हैं अभी, है ना, अभी अपन रख लेते हैं, ठीक है। प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 3, सही बात, माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल हुआ, लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 0, x की पावर 4 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2/3, x टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड कर रहा है, बोलो, क्या आ रहा आंसर, माइनस 2/3, सही है, माइनस 2/3, सॉरी x प्लस था ना, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 होता है एक्सपेंशन, क्या बच्चों, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो ये इसीलिए अपने क्या क्या हो रही थी, गलती हो रही है, एक्सपेंशन इसका क्या होता है, 10x का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक बात, है ना, सही है। अब क्योंकि लास्ट जो आंसर आया था वो आया था 2/3, और ये क्या आंसर आ रहा था, माइनस 2/3, मैथ से, है ना, मैथ से मजाक नहीं है, दो अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर नहीं आ सकते ना, आंसर यदि अलग अलग आ रहे हैं तो कुछ तो गलती हुई है, या तो दोनों ही गलत हैं या इन दोनों में से एक गलत है, ठीक है ना, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। तो आंसर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या आ रहा है, 2/3, क्लियर है पॉइंट, समझ में आई बात, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट, e की पावर x माइनस साइन x प्लस कोस x माइनस 2, क्विकली, अब तो आसान है, इसको लिख दो, कहां तक जाऊं मैं, x स्क्वायर कब तक चला जाता हूं, तो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां तक गया, माइनस साइन x को मैं जाता हूं, x माइनस x क्यूब जाना ही नहीं है मेरे को, ठीक बात, बोलो, समझ में आ रही है बात, x क्यूब तक जाने का फायदा नहीं है, नीचे x स्क्वायर ही है, ठीक बात। प्लस कोस एक्स मैं कहां तक जाता हूं, एक्स स्क्वायर तक, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सही बात, माइनस 2, बोलो, 1 माइनस 2 उड़ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, बचा क्या, प्लस कोस एक्स, x माइनस एक्स भी कैंसिल हो गया,
तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे बाकी जो भी बड़ी पावर्स होगी वो किसको टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी बोलो। तो ये लिमिट किसको टेंड कर रही है, अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। इसकी अब इसके साथ क्या है, हाईएस्ट पावर और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है जीरो अपॉन ये आ गया, इसके साथ हाईएस्ट पावर्स है। बट हाईएस्ट पावर्स में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो वो तो जीरो को टेंड करेगा ही, और ये किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, तो आंसर शुड बी जीरो, है ना, आंसर शुड बी जीरो, सही बात। बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख लेते हैं। वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस साइन एक्स, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स का एक्सपेंशन हो जाता है एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, बट एक्स स्क्वायर तक ही जाना है अपने को। बोलो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। इन नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स को करने के लिए अपने को पता होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन जानते हैं, इलेवंथ क्लास में अपन ने स्टडी किया है। वन प्लस एक्स टू दी पावर एन को अपन बोलते हैं एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर टिल एन सी एन तक जाता है ये। इसको यदि बाइनोमियल एक्सपेंशन उसी फॉर्म में देखें अपन, तो आंसर क्या आता है इसका, वन प्लस एन सी वन क्या होता है एन बाई वन एक्स, एन सी टू क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। सिमिलर वे में कहां तक जाता है ये, इन्फिनिटी। इसके अगला टर्म क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब, सही है बात। अब ये प्रॉब्लम को उठाते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन सेवन प्लस एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं एट टू दी पावर वन बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। बोलो सही है बात। सबसे पहला काम यहां पे एक्स टेंडिंग टू वन है तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। बोलो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो इस एक्स टेंडिंग टू वन को मैं क्या कर लेता हूं, एक्स इज इक्वल टू लिख लेता हूं वन प्लस एच, है ना। एक्स टेंडिंग एक्स को लिख लेता हूं मैं क्या, वन प्लस एच। उसका फायदा क्या हुआ, उससे ये क्या बन जाएगा, लिमिट, है ना, ये अपने पास क्या आ जाएगा, दिस लिमिट विल बिकम लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना। जब एक्स टेंडिंग टू वन होगा तो एच किसको टेंड करेगा, जीरो को, सही बात। अब x की जगह अपने को क्या रखना है, 1 प्लस एच, सो दिस विल बिकम 8 प्लस एच टू दी पावर 1 बाई थ्री माइनस 8 टू दी पावर 1 बाई थ्री अपॉन x माइनस वन क्या बन गया बच्चों, h, ठीक है बात, सही है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे ये अब जीरो बाई जीरो फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के एक और तरीका अपन ने देखा है ना, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशनलाइजेशन से कर सकते हैं क्या अपन, बोलो, ए क्यूब सॉरी ए की पावर वन बाई थ्री माइनस बी की वन बाई थ्री रेशनलाइज कर सकते हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई और डिवाइड, वहां से सॉल्व हो जाएगा, मेथड नंबर वन। दूसरा तरीका स्टैंडर्ड लिमिट से, स्टैंडर्ड लिमिट से इसको कैसे करेंगे, अपन बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे पावर, है ना, एक्स की पावर सेवन प्लस एक्स जो ये एट प्लस एक्स है अपॉन एच माइनस जीरो, या 8 प्लस एच माइनस 8 लिख सकता हूं क्या, बोलू, तो ये क्या है, समथिंग एक्स की पावर एन, है ना, लिमिट इसकी बात कर रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, दिख रहा है क्या, बोलो, एक्स यहां पे क्या है, पूरा 8 प्लस एच, है ना, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे अपन ये बोल सकते हैं कि एक्स प्लस एच किसको टेंड करेगा,
एट को टेंड करेगा, तो ये एट प्लस एच जो कैपिटल एक्स है, एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस एट की पावर वन बाई थ्री, तो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, बोल सकते हैं, बोलो सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर अपन जानते हैं, इसका आंसर आता है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, सही बात। तो इसका आंसर यहां पे एन क्या है, वन बाई थ्री इंटू ए क्या है एट, है ना, एन माइनस वन मतलब वन बाई थ्री माइनस वन, आंसर विल बी वन बाई थ्री एट की पावर माइनस ऑफ टू बाई थ्री विच इज एट की पावर वन बाई थ्री हो जाएगा, टू टू की पावर माइनस टू आ जाएगा वन बाई फोर, तो आ जाएगा वन बाई ट्वेल्व, समझ में आ रहा है बात, समझ में आया इतना। क्या किया अपन ने, इस स्टैंडर्ड लिमिट का यूज किया है, यहां पे डायरेक्टली यहीं पे यूज कर सकते थे ये स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है बात, आंसर इज वन बाई ट्वेल्व, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अपन क्या कर सकते थे, इसकी जगह है ना, अलग अलग मेथड जो भी अपने पास अवेलेबल है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं कि किस किस से अपन इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है बात। अब अपन करते हैं एक्सपेंशन से, इसको अपन करते हैं किस से, एक्सपेंशन से, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। नीचे क्या है एच, नीचे क्या है एच, तो अपने को एक्सपेंशन में कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, एच तक जाना है, ठीक है बोलो। तो 1 प्लस एच की पावर n क्या होगा, 1 प्लस एन एच प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर, अपने को जाना है h तक, तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब इसमें 1 बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो 1 कैसे बनाएंगे बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसको मैं 8 की पावर 1 बाई थ्री बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 प्लस एच अपॉन 8, तो मतलब 2 बाहर आ गया, माइनस 2 अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या आ रहा है, वन प्लस एच अपॉन एट की पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन एच, समझना बहुत अच्छे से समझना कि अपन ने ये क्या किया है, वन प्लस एक्स बनाने की कोशिश कर रही है, और ये जो एक्स है ना, दैट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, क्लियर है पॉइंट, है ना, दैट एक्स एक्स शुड टेंड टू जीरो, तभी ये बाकी टर्म क्या होगी, जीरो को टेंड करेगी। ये अपन इनिशियली बोला है एक्सपेंशन जब भी यूज करते हो तो जो वन प्लस एक्स, जिसकी अपन एक्स की बात कर रहे हैं, जिस पे अपन एक्सपेंशन कर रहे हैं, दैट मस्ट टेंड टू जीरो, तभी उस एक्सपेंशन का कुछ फायदा मिलेगा अपने को, अदरवाइज अपन कुछ उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, आगे वहीं पर उसी फॉर्म में बच जाएगा वो, है ना। अब इसका एक्सपेंशन यदि लिखा अपन ने तो क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू ये क्या आ गया, देखो बच्चों 1 प्लस एन एच, तो 1 बाई थ्री इंटू एच बाई एट, आगे मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, बोलो क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे एच ही है अपॉन एच, तो आंसर क्या आ गया, देखो इस एच से ये एच गया, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन 24 इंटू 2 1 बाई, है ना, लास्ट वाले प्रोसेस से भी आंसर क्या आया था, 1 बाई 12, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात, तो अच्छे से समझो इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, इसी पे बेस्ड है, पोज करके इसका आंसर निकालो नेक्स्ट प्रॉब्लम का, सेम बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, एक्सटेंडिंग टू टू, है ना, अपने पास क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, क्या 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है क्या, 16 की पावर 1 बाई 4 2 माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा लिमिट 14 प्लस एक्स, तो सबसे पहला मैं काम क्या करता हूं, x इज इक्वल टू लिख लेता हूं 2 प्लस एच, या x माइनस 2 इज इक्वल टू एच, तो ये बन जाएगा अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 16 प्लस एच टू दी पावर 1 बाई 4 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स टेंडिंग टू 2 है तो एक्स माइनस 2 क्या बन जाएगा h, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0
16 में कॉमन ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं, तो वो आ जाएगा 2 की पावर 16 की पावर 1 बाई फोर, 2 वन प्लस एच अपॉन 16 टू दी पावर 1 बाई फोर माइनस 2 अपॉन एच। सही बात। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस एच अपॉन 16 की पावर 1 बाई फोर माइनस 1 अपॉन एच। एक्सपेंशन कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस अपने को पता है एच तक ही जाना है यहां पे, 1 प्लस 1 बाई फोर इंटू एच अपॉन 16 माइनस 1 कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ रहा है एच, तो आंसर विल बी 1 अपॉन 32। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात बिल्कुल अच्छे से। तो ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है अपने पास एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन पे एक और टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है सिर्फ एक्सपेंशन पे बेस्ड, तो ये प्रॉब्लम खुद से अटेम्प्ट करनी है अपने को, ठीक है, खुद से सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम, और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताना कि क्या तुम इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरे को समझ में आएगा वहां से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लिख लो, खुद से अटेम्प्ट करना है, तो यहां से तुम्हारे को ये क्लियर हो जाएगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम था कि अपने को लिमिट कैलकुलेट करनी है। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसमें लिमिट अपने को गिवन होती है और अपने को फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है कि फंक्शन क्या है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ना, अपने को लिमिट गिवन होती है और अपने को किसकी इंफॉर्मेशन बतानी है कि फंक्शन किस फॉर्म का होगा, फंक्शन किस टाइप का होगा, फंक्शन में कुछ वेरिएबल दिए हुए होते हैं, ठीक है, समझे बात को। तो टाइप टू, इसी में सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्यों सर लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए इंटू ई की पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल टू टू, फाइंड ए एंड बी, ना फाइंड ए एंड बी, समझ में आ रही बात, क्या निकालना है, ये अपने को गिवन है इज इक्वल टू टू, फाइंड करना है अपने को ए एंड बी। तो साफ साफ अपने को समझ में आ रहा है कि अच्छा अपन क्या करते हैं, एक e की पावर x का एक्सपेंशन कर देते हैं, कहां तक, x तक जाना है, नीचे x है ना, x तक चले जाओ, तो 1 प्लस x ये एक्सपेंशन हो गया e की पावर x का टिल x माइनस b अपॉन x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, है ना, लिमिट है x टेंडिंग टू 0, सही बात। इसको अपन क्या बोल देंगे, ये आ रहा है a माइनस b अपॉन x प्लस a, है ना, ax अपॉन x इसको पहले सोल्व करते लेते हैं अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एग्जिस्ट कब करेगी, अदरवाइज ये तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, ये तो क्या आ रहा है a, और आगे के जो भी टर्म है मुझे पता है सब क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि x से बड़ी कोई भी पावर होगी वो x स्क्वायर अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे जीरो, ठीक बात। a माइनस b अपॉन x को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब a माइनस b को क्या होना पड़ेगा, जीरो, हेंस a माइनस b इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब इसकी लिमिट टू है, अपने को लिमिट क्या दी हुई है, टू दी हुई है, तो दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू, इसकी लिमिट आएगी क्या, एक्चुअली a इज इक्वल टू, इस साइड से a लिमिट आएगी, दैट इज a इक्वल टू टू, a टू आ गया, तो a इक्वल टू b इक्वल टू टू, समझ आ रहा है, काफी सिंपल प्रॉब्लम होता है जस्ट बेस्ड ऑन, है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जेई मेंस और एडवांस में पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी
साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, फाइंड एबीसी। क्लियर है पॉइंट? एबीसी निकालना है यहां से। तो सबसे सिंपल सा अपने को एक्स स्क्वायर तक चीजों को एक्सपेंड करना है, तो कोस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? कोस एक्स हो जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बोलो। और साइन एक्स अपने पास क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब जाता है, तो एक्स क्यूब को अपने को लिखने का जरूरत नहीं है। सही बात, क्योंकि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपने आप एक्स आएगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर वो जीरो ही होगा, उसका कुछ फायदा नहीं है लिखने का। ठीक बात, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखने में कुछ गलती नहीं है, बट लिखने का कोई यूज नहीं है, राइट? डायरेक्टली अपने को पता है कि वो एक्स टेंडिंग टू जीरो पे जीरो ही आएगा, तो फर्स्ट एक्स ही लिख लिया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये किसको टेंड कर रहा है बच्चों? टू को टेंड कर रहा है। ठीक बात, कॉन्स्टेंट यहां पे क्या है? ए है, बी है ना, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट हमारा ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के साथ क्या आ रहा है? सी एक्स अपॉन है ना, सी अपॉन एक्स प्लस माइनस बी अपॉन टू फैक्टोरियल के साथ क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है ना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज वन। है ना, एक एक्स बच जाएगा नीचे। लिमिट क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए है ना? अपने को इतनी देर इतनी कैलकुलेशन इतने क्वेश्चंस करने दिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि जो पावर ऊपर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है वही मैटर करता है, इसके नीचे वाली पावर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। और इसके ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाएगी? अपने आप जीरो हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट होके जीरो होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी को जीरो होना पड़ेगा इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, है ना। सी को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों? जीरो होना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। और माइनस बी बाई टू फैक्टोरियल इसकी क्या हो जाएगी? लिमिट माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू टू। तो यहां से अपने को ये बात समझ में आ रही है बच्चों, एक तो बी इज इक्वल टू माइनस फोर है ना, बी इज इक्वल टू माइनस फोर, C को क्या आ गया? जीरो आ गया। B इक्वल टू माइनस फोर, तो A इक्वल टू क्या आ गया? फोर। सही बात, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है a इंटू ई की पावर x माइनस b इंटू कोस एक्स प्लस c इंटू ई की पावर माइनस x अपॉन x साइन x इज इक्वल टू है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये किसको टेंड कर रहा है? टू को, फाइंड a b c। ठीक बात, अब अपन यहां पे लिख सकते हैं कि e की पावर x क्या है? 1 प्लस x। अब कहां तक जाएं? ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कहां तक जाएं। sin x अपॉन x x स्क्वायर, ये लिमिट तो 1 होगी, बस इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लाई में है ना, ये लिमिट तो 1 को टेंड करेगी। इसको क्या बना लिया मैंने? x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे एक्स स्क्वायर बना लिया। अपन ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में कौन डोमिनेट करेगा? एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, है ना। ऐसे तो साइन एक्स का पूरा एक्सपेंशन अपन लिख सकते थे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, बट डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स टेंडिंग टू जीरो पे जितनी छोटी पावर होगी वो डोमिनेट करेगी। समझ में आ रही है ना बात, है ना। एक्स की पावर जितनी बड़ी होगी, जीरो के आसपास कोई वैल्यू, उसकी पावर जितनी बड़ी होगी वो नंबर उतना ही छोटा होगा, है ना। 0.001 की पावर 2 करते हैं और 0.001 की पावर 4 करते हैं, कौन है नंबर बड़ा? 0.001 की पावर 2। समझ आ रहा है? तो छोटी पावर डोमिनेट करेगी व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे छोटी पावर डोमिनेट करेगी। सही बात, समझ में आ रही है पॉइंट। तो a इंटू ई की पावर x क्या है अपने पास? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। सही बात, माइनस बी कोस एक्स को अपन क्या लिख देते हैं? कोस एक्स है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल।
ई की पावर माइनस एक्स है अपने पास वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, अपॉन क्या है, अपॉन है एक्स स्क्वायर, ये जो भी है ये वन है, लास्ट में अपन बता देंगे इस चीज को। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अच्छा a माइनस बी प्लस सी ये तो क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट, ये क्या होना चाहिए जीरो, है ना, a माइनस बी प्लस सी ये क्या होना चाहिए जीरो, सही बात है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। x का कोफिशियंट क्या आ रहा है, x का कोफिशियंट आ रहा है a माइनस सी, है ना, ये भी क्या होना चाहिए बच्चों कट के जीरो आना चाहिए। और जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, लिमिट आएगी a बाई टू फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस b अपॉन टू फैक्टोरियल, है ना, दिस वन एंड c अपॉन टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू लिमिट कितनी दी हुई है, टू दी हुई है, ठीक है बात। ये x स्क्वायर का कोफिशियंट है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट क्या आ जाएगी यहां पे टू। तो यहां पे ये तीन इक्वेशन है अपने पास और तीन ही वेरिएबल है, निकाल लेंगे बहुत आसानी से, है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फोर, एक तो अपने पास है इक्वेशन नंबर वन, और वन प्लस थ्री करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये a माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फोर, ठीक है ना, इसको अपन कल क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फोर, एड किया b b कैंसिल, टू इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू फोर, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा टू, a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो है, एड कर दो टू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू, है ना, इन दोनों को क्या कर दिया एड, 2a प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 1, समझ में आ रही बात, 2a इज इक्वल टू टू, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज ऑल्सो 1, a 1 c 1, तो b क्या आ गया, है ना, b इज इक्वल टू 2, सो दिस इज द आंसर, समझ में आ रही है बात, पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है। अपन को क्या निकालना है, लिमिट दी हुई है ए बी सी, बताना है क्या है फंक्शन किस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर अपॉन x की पावर फोर, ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को, इज इक्वल टू दिया हुआ है l एंड दिस इज सम फाइनाइट नंबर, है ना, फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो फाइंड एल एंड फाइंड ए, है ना, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ना, फाइंड ए एंड ऑल्सो फाइंड एल, लिमिट भी नहीं दी हुई, पहले ए निकालो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वहां से क्या निकलेगा ए, जब ए निकल जाएगा देन फाइंड एल, क्लियर है पॉइंट। अच्छा अब एक्स की पावर फोर है नीचे, ऊपर क्या है a है माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर है और इसको अपन एक्सपेंशन कर सकते हैं, करते हैं, ये आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो a की पावर हाफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर अपॉन एक्स की पावर फोर। तो ऊपर मेरे को एक्सपेंशन कहां तक चाहिए बच्चों, ऊपर मेरे को एक्सपेंशन कहां तक चाहिए, अच्छा लिमिट एक्स टेंडिंग टू a है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू होना चाहिए जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां पे क्या है जीरो, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू ए पे तो ये ए माइनस ए स्क्वायर बाई फोर आएगा और वो जीरो बाई जीरो फॉर्म ही नहीं बन रही, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है ना, अपने को क्या गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए गिवन है। प्रॉब्लम को फिर से सोचते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए गिवन था अपने पास, ए रख
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो गिवन था, जीरो रखने पे ये क्या आ जाएगा, ए माइनस ए जीरो, ये क्या आ जाएगा जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तब अपन बात करेंगे कि अच्छा जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है ना ये, तब अपन सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, देखो ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस ए इंटू, इसका एक्सपेंशन कर दिया मैंने, वन माइनस ये एन एक्स है ना, तो एक्सपेंशन देखो किसका अपन को करना है, वन माइनस एक्स की पावर एन का, तो वो क्या आ जाएगा, वन माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, बोल सकते हैं अपन, बोलो, तो वन माइनस एन है अपने पास हाफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस कहां तक जाना है अपने को, एक्स की पावर फोर तक जाना है बच्चों, है ना, एक्स की पावर फोर तक जाएंगे तो इसमें स्क्वायर तक जाना है, टू पावर तक जाना है अपने पास, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका क्या है, एक्स है इसकी पावर वन, प्लस अगला एक्सप्रेशन क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, तो एन इज हाफ इंटू एन माइनस वन, तो वन बाई टू माइनस वन माइनस हाफ, है ना, माइनस हाफ, है ना, एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन टू फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो अपन बोल सकते हैं ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का पावर क्या आ जाएगा, फोर, सही है बात, बोलो, अपॉन एक्स की पावर फोर, यहां तक समझ में आ रहा है, अच्छा स्क्वायर स्क्वायर क्या आएगा, ये स्क्वायर, समझ में आ रहा है यहां तक, ए इस माइनस ए से गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अपने पास आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहां पे आ रहा है माइनस वन बाई फोर माइनस माइनस प्लस प्लस ए अपॉन टू ए स्क्वायर विच इज वन बाई टू है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहां से माइनस वन बाई फोर, यहां से क्या आ रहा है माइनस ए को मल्टीप्लाई किया तो वन बाई टू ए एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 4 का कोफिशियंट क्या आ रहा है, x की पावर 4 का कोफिशियंट आ रहा है माइनस वन बाई एट माइनस वन अपॉन एट ए क्यूब है ना, a मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस हो गया प्लस वन बाई एट एक्स की पावर 4 अपॉन ए क्यूब, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब समझना इसको, इसमें x x की पावर 4 है, नीचे ऊपर x स्क्वायर है, तो इसको फाइनाइट होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0, तो इसको जैसे ही 0 किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, समझ में आ रही बात, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1, और x की पावर 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी 1 अपॉन है ना l विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 8 a क्यूब, 1 अपॉन 8 a की वैल्यू क्या आ गई 2 है ना, 2 रखने पे ये क्या आ जाएगा 0, 1 अपॉन 64 लिमिट आ रहा है, समझ में आ रही है बात है ना, थोड़ा सा अंडर रूट वाला पार्ट थोड़ा सा इसमें उसको एक्सपेंशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट वंस यू लर्न बाइनोमियल इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, कहां तक एक्सपेंड करना है ना ये ध्यान दो, इसको मेरे को क्या बना रहा है 1 प्लस 1 माइनस, तब फिर एक्सपेंशन लगाऊंगा मैं, है ना, यहां पे बच्चे गलती करना है करते हैं, a माइनस बी को डायरेक्टली एक्सपेंशन कर देते हैं, उसका फायदा कुछ नहीं होगा, 1 प्लस एक्स की पावर को एक्सपेंड करो पहली बात तो, और वो जो x है ना वो x टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तभी तुम जो आगे वाली पावर है उनको नेग्लेक्ट कर पाओगे, क्योंकि x टेंडिंग टू जीरो पे जो हाइएस्ट पावर होगी, जो हाइयर पावर होगी वो जीरो को टेंड करेगी, राइट, समझ में आ रही है ना बात, जो अपने काम का क्या है x की पावर 4 तक अपने काम का है, अब x की पावर 4 से आगे जो भी पावर्स हैं इसमें होगी प्रेजेंट होगी, बट दोस पावर्स विल टेंड टू जीरो, समझ में आ रही बात, तो ये
अपन ने देखा है आज की क्लास में। आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको तुम है ना, टाइप वन की प्रॉब्लम है ये, इसको तुम खुद से अटेम्प्ट करना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ वन प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू अपॉन एक्स टेन एक्स इंटू साइन एक्स, फाइंड दिस लिमिट। तो इसको क्वेश्चन नंबर टू मान लो, उसको वन मान लो। तो दो प्रॉब्लम्स दी हुई है, इनका फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में देना। आई होप चीजें समझ में आई होगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।